मैं किसान योद्धा से, मैंने कुछ लाइन बब्बा जी के लिए लिखी है, वो मैं आपको बब्बा जी के लिए बताना चाहूँगा। कि ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए, कि ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए, ऊंचाइयों को यूं ही छूता रहा हूँ, सर पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों मैं भी किसान का बेटा हूँ, तुम्हें देता हूँ आशीर्वाद, तुम्हें तुम सदा रहो खुशहाल और युग युग तक फलती रहे तुम्हारे जीवन की हर डाल, कायम रखे हरी सदा तुम पर अपना प्यार, घर दीप खुशी का जलता रहे, सरा सुखी रहे संसार। भाइयों दिल खुश कर दिया मेरे वाके भी बहुत। तो देखो भाइयों, ये बब्बा जी मेरे गैल में है, और बब्बा जी थोड़ा सा बताओ यहाँ पे क्या क्या बोल रखा अपने, भिंडी वगैरह भी बोल के दिखा शायद, भिंडी है तो थोड़ा सा चलो हमारे साथ में, यहाँ को देखो बैंगन है। अच्छा अच्छा, तो घर की सब्जी बोल रखी है आपने? हाँ ये मिर्चे हैं। ये देखो भाइयों कितनी सब्जी बोल रखी, मिर्च वगैरह, घिया की बेल, भिंडी, बैंगन, और ये देखो वो हल्दी है। अच्छा उधर हल्दी है, कौन सी है जहाँ पे खुदाई हो रही है ना, वो कौन सी दिखाइयो? आम के नीचे। अच्छा अच्छा, ये हल्दी के पौधे जी? हाँ, ये वाली। हाँ, ये देखो भाईयो हल्दी है, ये देखो भाईयो कितनी लिकट जा समथिंग अंदाजे से, लिकट जा दो चार धड़ी, दो चार धड़ी लिकट जा। अच्छा फिर से कूटते होंगे, पिसवा के लाओ, पिसवा के लाओ। अच्छा अच्छा, ये देखो भाईयो सब्जी वगैरह भी लगा रखी घर में, और इधर देखो इनकी कोठी है। अच्छा लड़के आपके भारी रहे हैं? अच्छा अच्छा, आते होंगे त्योहार वगैरह पे, दिवाली हुई है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई सज्जन इंसान है, और किसान अपना खेती बाड़ी भी, ट्रैक्टर वगैरह भी चला लेते हैं। और ये देखो भाइयों सब्जी सब्जी बो रखी इधर साइड में, ये देखो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देखो भाइयों ये दद्दी है, तो दद्दी को आवाज़ वगैरह आ जाती? अच्छा अच्छा, बस घुटने वगैरह में दर्द रहता होगा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो खेती बाड़ी आप भी करते हो, सभी किसान आदमी खेती बाड़ी करता है, तो मुझे बताओ जैसे नए किसान आ रहे हैं, वे सोचा है कि नई तकनीकी में फ़ायदा, और कोई कह मैंने वो सिंपल विधि द्वारा मैं इतना गन्ना नहीं होता, तो कैसे खेती बाड़ी कैसी करनी चाहिए किसान भाइयों को, मतलब सिंपल द्वारा कराए या ट्रंच विधि द्वारा? नहीं नहीं, नई तकनीक सब अच्छी है, तकनीक अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, कोई भी बता, अलग से मशीन दिया हुआ है? अच्छा अच्छा, रखनी पड़े। अच्छा अच्छा, वो खरीदनी पड़ती होगी? हम तो बिल्कुल पुरानी से कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, अब हमें भी वही अपनानी पड़ेगी। अच्छा ट्रंच विधि द्वारा? हाँ और क्या करें। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी कितनी बोते हो समथिंग? बस ही मान लो हम पे तो 15 एकड़ जमीन है, ज्यादा है नहीं। अच्छा अच्छा, और आपके पिताजी वो भी खेती बाड़ी से मतलब जुड़े हुए थे? पिताजी हमारे टीचर थे। अच्छा मास्टर थे। अच्छा तो बब्बा जी कहाँ पे पढ़ाया करते थे, मतलब? गांव यही है पाली से कोई 1.5 किलोमीटर दूर, ज़्यादातर नौकरी उसी गांव में करी, सैफपुर में। सैफपुर में? अच्छा वहीं पे पढ़ाया करे। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों बब्बा जी का नाम क्या था जी? जगमाल सिंह, हेडमास्टर थे। हेडमास्टर थे उस जमाने में, तो बच्चे डरते होंगे उस जमाने में उनसे? आदमी बड़े देवता आदमी। अच्छा 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 अच्छा, या तो आप भी बब्बा जी के सामने उसी स्कूल में पढ़े हुए हो, जैसे मतलब स्कूल में आपके बब्बा जी मतलब पिताजी पढ़ाया करते थे आपके? हाँ पढ़े हम। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई सज्जन इंसान है, आज मैं बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और देखो इधर से मैं दिखा दूँ एक बार आपको, ये देखो कितने अच्छे तरीके से बना रखी है। तो सो बनने में कितना समय लग गया था जी अंदाजा? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल में कम्प्लीट हो गया था? अच्छा अच्छा, पत्थर वगैरह सब लग के कम्प्लीट? पत्थर ना लगवा था, दही अभी तक। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों सिंपल रख रखा, और आज मैंने के आवास पे आया, मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और सज्जन इंसान है और किसान भी है अपना, खेती बाड़ी भी है, तो ट्रैक्टर वगैरह खेत पे आप ही ले जाओ हैं? हाँ ले जाओ, ठेकेदार से करवाऊं मैं खेती। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत भी आती होगी, नौकर वगैरह नहीं है, पशुआ करने का कोई मजदूरी करने पड़े, नौकर आते ही नहीं पहले, बिहारी रह करे थे। अच्छा अच्छा, वे भाग जाते होंगे? आते नहीं अब। अच्छा मिलते ही नहीं? अब नहीं मिले कई साल से। अच्छा अच्छा, रहते नौकर। अच्छा अच्छा, तो पशु वगैरह का दूध तो आप ही निकालते होंगे फिर इनका? आप ही काटते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखो भाइयों कितने तो पशु है जो मैंने आपको दिखाए इनके, तो भैंस और को देती नहीं है खड़ी। अच्छा अच्छा, इसका तो मैं अब निकाल लूंगा। अच्छा तभी निकाल करो इसका। हाँ मैं हसनपुर चला गया था। अच्छा अच्छा, मैं ही काट लूंगा। अच्छा अच्छा, माँ जाए बैठ जाऊँ तो टक्कर मारने को भागती होगी तो? बस ये और को दूध देना पसंद नहीं ना करती। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों तो इन्होंने आपने कुत्ते क्या लगा कि मुझे हमें कुत्ते भी पालने चाहिए, तो हमने क्या लगा? यहाँ बाहर जंगल में आ गए। अच्छा अच्छा, चोर उचक्को की वजह से बांध लिया। अच्छा अच्छा, कुत्तों का बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे ही बांध ली बस ये है। ये देखो भाई कुत्ते ही पाल रखे हुए बैठे साइड में, तो ये पहाड़ से लाए थे आप? पहाड़ी नस्ल है? पहाड़ी नस्ल है, हमारा भाई एक डॉक्टर। हाँ
वो ले आता है ना। अच्छा अच्छा, तो जैसे मतलब खुले हुए छोड़ दे तो आदमी को ठोड़ मार देंगे, अजनबी आदमी को है। हाँ, कुछ भी कर सके तो। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, खीर फाड़ कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो आज मैंने के आवाज पे आया, मुझे काफी अच्छा लगा। और किसान भाइयों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, राम राम। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी। शुभम भैया, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो किसान योद्धा चैनल पर। मैं आपकी रोज देखती हूँ वीडियो, और मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसी ही बनाते रहिए।